स्वागत करता हूं दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे कपिल तलरेजा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर आपने मेरा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है दोस्तों, आप प्लीज़ नोट कीजिएगा जो मैं अभी आपको पाठ बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पहले आपको गूगल में जाना पड़ेगा। वहाँ पर आपको टाइप करना है आपले सरकार डॉट महाऑनलाइन डॉट जी ओ वी डॉट इन। ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से आपका पेज ओपन होगा। दोस्तों यहाँ पर ऊपर लिखा आएगा महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों जो भी लोग नए हैं वहाँ उनके यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट योर प्रोफाइल विद दिस पोर्टल टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर नोटिफाइड सर्विसेज। ठीक है दोस्तों, मैं एक थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ कि इसमें आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। न्यू यूज़र रजिस्टर हियर में जाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों देखिए क्रिएट योर प्रोफाइल विद दिस पोर्टल टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर नोटिफाइड सर्विसेज अंडर महाराष्ट्र राइट टू पब्लिक सर्विसेज एक्ट 2015। तो यहाँ पे दोस्तों दो ऑप्शन है, ऑप्शन वन और ऑप्शन टू। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको ऑप्शन टू में जाना है जहाँ पे लिखा हुआ है अपलोड कंप्लीट सेल्फ डिटेल फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एड्रेस प्रूफ वंस एंड क्रिएट योर ओन यूज़र प्रोफाइल यूजिंग OTP वन टाइम पासवर्ड वेरिफिकेशन ऑन योर मोबाइल नंबर। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों यहाँ पे पहला पहला जो आया है वो है एप्लीकेंट डिटेल आया हुआ है। यहाँ पे सैल्यूटेशन में जाना है। ठीक है, यहाँ पे कुमार है, मिस्टर है, मिसेज है, श्रीमती है, श्री है, वो आपको लिखना है। यहाँ पे जो भी नाम है आपको पूरा नाम लिखना है दोस्तों। सपोज़ मैं एक एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ, दोस्तों मज़ेदार बात यह है कि जो भी आप यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे वो मराठी में ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके बाद थोड़ा सा मैं और आगे जाता हूँ, यहाँ पे फादर सैल्यूटेशंस में लिखना है जो भी यहाँ पे फादर्स का आपका नाम रहेगा वो आपको टाइप करना है, डेट ऑफ बर्थ उनका और एज। जेंडर, ऑक्यूपेशन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपका डिटेल जो है वो फर्स्ट एप्लीकेंट में पूरा हो जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, सैल्यूटेशन फुल नेम आपका मराठी में आ जाएगा, फादर्स सैल्यूटेशन फादर्स का भी नेम आ जाएगा, उसमें डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है आपका, आपका एज डालना है, जेंडर, ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन में जो भी आपका है दोस्तों, बिजनेस है तो बिजनेस या जो भी आपका ऑक्यूपेशन है, सर्विस है तो सर्विस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, स्टूडेंट है या टीचर है, प्रोफेसर, प्राइवेट सर्विस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एप्लीकेंट का एड्रेस लिखना है दोस्तों हमें। यहाँ पे आप जो भी एड्रेस लिखेंगे ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट मराठी में टाइप हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, एड्रेस लिखने के बाद जो आपका स्ट्रीट है वो आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, सेक्शन लिखना है, बिल्डिंग का आपको नीचे नाम लिखना है, लैंडमार्क यानी जो भी आपकी फेमस जगह है वो आपको यहाँ पे लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है। ठीक है दोस्तों, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद जो भी आपका तालुका है वो लिखना है, विलेज लिखना है, उसके बाद पिन कोड लिखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो है यहाँ पे इजी है काफ़ी, मोबाइल नंबर आपको डाल के यहाँ पे सेंड OTP करना है। सेंड OTP करने के बाद में एक वन टाइम पासवर्ड आएगा आपके मोबाइल में, वो यहाँ पे आपको डालना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए जो भी रेड कलर का टिक है, जो भी रेड कलर का यहाँ पे स्टार है
रेड कलर का जो भी ऑप्शन है वो आपको टिक करना है दोस्तों, वो आपको डालना ही है। पैन कार्ड है वो आपको डालना है, यूआईडी नंबर है, तो आपको यहाँ पे यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको डालना है। यूज़र आईडी आपको डालने के बाद, ठीक है दोस्तों, पासवर्ड डालने के बाद कंफर्म पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अपलोड फोटोग्राफ्स में इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए हुए हैं, उसमें आपको बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा। दिस साइज ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी फॉल बिटवीन 5 KB to 10 KB। ये थोड़ा सा ट्रिकी है दोस्तों, ये पेंट में आपको जाके कर सकते हैं या फिर रिसाइज करके ऐप आता है उसमें भी आप कर सकते हैं। ये खाली चार बातों को आपको लिख के रखना पड़ेगा। पहली बात है द साइज़ ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी फॉल बिटवीन 5 KB to 10 KB। जो भी फोटोग्राफ की साइज़ है वो 5 KB to 10 KB होनी चाहिए। सेकंड, फोटोग्राफ फॉर्मेट शुड बी JPG। ये काफ़ी इजी है, JPG फॉर्मेट होना चाहिए। द विथ ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी 160 पिक्सल। ठीक है दोस्तों, 160 पिक्सल आपका होना चाहिए दोस्तों। द हाइट ऑफ द फोटोग्राफ शुड फॉल बिटवीन 200 to 212 पिक्सल। जो भी फोटोग्राफ की हाइट है दोस्तों वो 200 से 212 पिक्सल होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये आप एक बार नोट करके उसके से हिसाब से ही आपको यहाँ पे फोटो यहाँ पे डालना है दोस्तों। ये थोड़ा सा आपका टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, लेकिन अगर आप ये समझ के करेंगे तो आपका फटाफट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप फाइल आप अपना फ़ोटो अपलोड कर देना। उसके बाद दोस्तों प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में कोई भी एक आपको डॉक्यूमेंट देना है, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पासपोर्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, आधार कार्ड आप दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस आप दे सकते हैं, गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट आईडी या RSBI कार्ड भी आप इसमें दे सकते हैं दोस्तों। प्रूफ ऑफ एड्रेस, इसमें दोस्तों आप राशन कार्ड दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग कार्ड लाइसेंस आप दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड आप दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक्सट्रैक्ट ऑफ 7/2 एंड प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट आप दे सकते हैं, प्रॉपर्टी एग्रीमेंट कॉपी आप देख सकते हैं, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, रेंट रिसिप्ट। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो मेन बात थी वो आप नोट कर लीजिएगा। द साइज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी कि जो भी आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं उसकी जो साइज़ होनी चाहिए वो 75 KB to 100 KB ही होनी चाहिए, तो ही वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, द साइज़ ऑफ द डॉक्यूमेंट बिटवीन 75 to 100 KB। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको आई एक्सेप्ट करके टिक करना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पे रजिस्टर करना है दोस्तों। रजिस्टर के बाद ही आप कोई भी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो जो है यहाँ तक अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा। अब प्लीज़ कंटिन्यू रखिए, मैं अभी आपको बताऊंगा कि आप सर्टिफिकेट्स कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप 7/12 एक्सटेट का सर्टिफिकेट ऑनलाइन कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें आप डिपार्टमेंट का नाम आप नोट कीजिएगा, लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में आता है ये। डिपार्टमेंट का नाम आप प्लीज़ लिख के रखिएगा दोस्तों, क्योंकि जब भी आप साइनअप करते हैं उसके बाद साइन इन करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स के नाम ओपन हो जाते हैं, तो अगर आपको डिपार्टमेंट का नाम याद होगा तो उस सर्टिफिकेट आप इजीली पहुँच पाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन आपको अपलोड करने हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसमें साइन अप करके साइन इन करके अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका टाइम लिमिट भी यहाँ पे 7 डेज़ का दिया हुआ है। डेजिग्नेटेड ऑफिसर का यहाँ पे नाम भी है, कंसर्न सब रजिस्ट्रार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जैसे आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का मैसेज आपका पॉपअप हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है मैंने इसी वीडियो में आपको पहले ही बता दिया है, तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।